सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आप लोगों के लिए हमारे और एक ब्रांड न्यू वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आप लोग कैसा है, आई होप आप लोग बढ़िया है। तो बढ़िया रहना। तो गाइस आप लोग तो टाइटल एंड थंबनेल देखे पता चल चुका है जो आज का वीडियो होने वाला है। तो गाइस मैं आज थोड़ा सा कुछ स्टोरी बताना चाहते हो जो कि उसका साथ कैसे कस्टम का चैलेंज हुआ है। जो उसने मेरे को बुलाया, ऐसे मैंने ऑनलाइन पे आया, उसने मेरे को बुलाया तो मैंने इन्वाइट किया, मैं उनका कस्टम में चला गया। तो फिर उन लोगों ने सबका सब स्काईलाइन लेके आया, मैं तो हॉकोंग लेके गया था। तो मेरे को जब भी मैं बंदा डाउन करता था पैक करके मारना चाहते तो भी उन लोग आके वो स्काईलाइन से गुलाल तोड़ के मार देते। मार के बाद में इमोट दिखाना शुरू करते। तो स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड हम लोग खेल रहा था। तो गाइस इधर और भी चीज़ बता रहा हूँ, बाद में बोलता है। जो कि जो रिडीम कोड का गिव अवे था वो फिर से ला चुका हो, तो अभी थोड़ा शो कर रहा है 3UTB, तो उनको नोट कर लो, नेक्स्ट बाद में बहुत बता रहा है। तो अभी के लिए फिर से बोल रहा हूँ जो कि उनका साथ क्या हिस्टोरी हुआ था। तो उसके बाद हम लोग गेम हार चुका हूँ, फोर और उन लोगों का, हम लोगों का 4 राउंड था और उन लोगों का 7 राउंड था। तो उन लोगों ने फाइनली हम लोगों को 4-7 में दे दिया था। तो बाद में मेरे को ग्रुप में बुला के ऐसे ही बोल रहे हैं जो कि तुम क्या नुबरे की तरफ खेलते, खेलना बेलना नहीं आता है, आके कस्टम में घुस गया। अरे भाई तुम लोगों ने बुलाया तो मैं क्या, अगर तुम नहीं बुलाते तो मैं कैसे घुसते तुम्हारा कस्टम में। तो ऐसे ही बातें हो रहे थे। बाद में मेरे को नूब बट जैसा जैसा मन में आ रहा है वैसे ही बोल के जा रहा था। तो मैं बोला देख मेरे भाई ऐसा मत बोल, दिल से बुरा लगता है। वो बोला क्या कर लेगा। मैं बोला अगर तुझमें दम है तो तू 1v1 में बात कर और कैरेक्टर स्किल अप कर दे। तो वो बोला ठीक है तू मेरा साथ कस्टम खेलेगा क्या। मैं बोला हाँ खेलेगा तेरा साथ, तू ज़्यादा वो औकात की बात कर रहा है ना, तो बना ले, बना के एक बार बुला ले। तो उसने बोला मेरे को जो तू बना ले। मैं बोला नहीं मेरा पास कस्टम नहीं है, अगर तेरे में दम है तो तू बना के मेरे को बुला ले। तो उसने बोला ठीक है तो मैं बना रहा हूँ, तुमको इनवाइट कर रहा है, तुम सोलो पे रहो। तो मैं बोला ठीक है मैं रेडी हूँ कस्टम के लिए। तो उसने गाया, जाके बनाया, बना के इनवाइट किया, जो कि सामने वाले बंदे का नाम है विजय बॉस। तो उनका भी लेवल कम नहीं है, 71 या 70 का है लेवल उनका। तो गाइस आप लोग जो भी भाई लोग चैनल पर, मेरा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके बेल कॉल पे सेट करो, क्योंकि तुम लोगों को मालूम नहीं है जो मेरा चैनल पर गिवअवे लाता हूँ। जो कि जो बंदा मेरा वीडियो सबसे पहले, जो बंदा सबसे पहले मेरा वीडियो फुल वॉच करेगा उनको भी मिलने वाला है रिडीम कोड का गिवअवे। तो जाओ मेरा भाई चैनल पर, अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि ऐसे ही हम इस चैनल पर गिवअवे लेके आते हैं आप लोगों के लिए। जो बंदा मेरा पहला फुल वॉच करता है उनको रिडीम कोड मिलता है। तो गाइस यार तुम लोग भी कोशिश करो, अगर तुम भी सबसे पहले ये वीडियो को फुल वॉच कर लिया तो तुमको भी मिल जाएगा ऐसे रिडीम कोड। और दूसरे भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में भी लाते रहूँगा। तो आप लोग इसीलिए बोल रहा हूँ, आप लोग फिर गिवअवे के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके बेल कॉल पर सेट करो। नहीं तो अगर सेट नहीं किया तो बिल को ऑल पे सेट नहीं किया तो सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा गिवअवे का पार्टिसिपेट तुम लोग कर नहीं सकते। क्योंकि अगर सब्सक्राइब करके बिल को ऑल पे सेट करेगा तो गिवअवे का पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मेरे भाई सब्सक्राइब किया करो। तुम लोग इतना बड़ा बड़ा यूट्यूबर को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो तुम्हारा छोटा सा भाई वो भी उम्मीद लेके, थोड़ा सा उम्मीद लेके आया है। तो तुम लोग भी उनको थोड़ा सपोर्ट करो और प्यार दो। तो तुम लोगों का सपोर्ट और प्यार से वो मेरा अच्छा लगता है और दिल खुश हो जाता है। तो तुम लोग भी ऐसे सपोर्ट करेगा तो तुम लोगों के लिए आगे भी कुछ ला सकता हो, जो कि उससे भी बेहतरीन वाला आगे भी ला सकता हो। क्योंकि तुम लोग अगर मेरे को सपोर्ट करके आगे तक लेके जाएगा तो अगर हाँ भाई मैं बता रहा हूँ फिर से रिडीम कोड जो कि 44 के है। तो फिर नेक्स्ट और बताऊँगा जो भाई। हाँ तो अब लोग मेरा चैनल को शेयर किया करो और नया तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा भाई को थोड़ा सपोर्ट का ज़रूरत है। और तुम लोग अगर गिवअवे के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो तुम लोग सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल को ऑल पे सेट करना ना भूलो। क्योंकि जो अगर बेल को ऑल पे सेट नहीं करेगा तो तुमको गिवअवे का
वो पार्टिसिपेट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं गिविया के लिए वो जो बंदा है ना फुल वॉच करेगा इस वीडियो को पहले, सबसे पहले उसी बंदा को रिडीम कोड मिलेगा। अगर स्किप कर कर के दिखेगा तो उनको पता नहीं चलेगा जो कब मैंने नंबर दे दिया, कब दे दिया उनको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे ही पूरा एंड तक देखना पड़ेगा वीडियो को, तब जाकर तुम लोगों को मालूम पड़ेगा। तो गाइस, तो इधर सामने वाले बंदा का तो मैं उनका पिदुरी निकाल के रहूँगा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ बोल रहा था वो मैं भुला गए, तो उनको तो मार मार के मैं तख्ता बना दूँगा, क्योंकि उसने ज़्यादा ही चिमकांडी कुछ लेवल दिखा रहा था, एटीट्यूड दिखाता है बेटा। अब बोलना एटीट्यूड तेरा किधर गया, अब दिखा एटीट्यूड, आजा सामने आ, अब ले पागल है एटीट्यूड दिखाता है, लोल खा लोल खा लोल। तो गाइस हाँ, और एक चीज़ बताना चाहते हो आप लोगों को, जो कि मेरा फेसबुक पेज पे 1K फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाला है, तो मेरे भाई तुम्हारा भाई को फेसबुक पेज में 1K फॉलोअर्स कंप्लीट कर दो, जल्दी जाओ, नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करो, फेसबुक पेज में जाओ, फेसबुक पेज में जाके फॉलो करके बेल कॉल पे सेट करो, ताकि फेसबुक पेज पे भी ऐसे ही गिविया का वीडियो आप लोगों को पास ला सकता हो, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा उसमें भी सपोर्ट करो। तो जाओ यार फटाफट से कर दो, तुम्हारा भाई का 1K फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाला है फेसबुक पेज में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो कैसे यार उसने क्या गेम को वापस लेके जा सकता है या नहीं जा सकता है, तुम लोग कमेंट करके बताओ। तो गाइस हाँ, अगर इस मैच को हमने बिया लेके आ गया ना, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि नेक्स्ट गिविया के लिए तुम लोगों को भी मौका मिले, जो कि तुम लोगों को भी रिडीम कोड का मौका मिले, जो तुम लोग भी रिडीम कोड का गिविया ले सकते हैं। तो इसीलिए मेरे भाई बार बार बोल रहा हूँ, जो कि मेरा चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि सबसे पहले जो भी बंदा फुल वॉच कहेगा उनको ही मिलने वाला है जो रिडीम कोड का गिविया। अगर स्किप कर करके दिखेगा तो उनको नहीं मिलेगा गिविया का रिडीम कोड। तो गाइस इधर फाइनली मेरे को मार दिया उनका सामने वाले बंदे का, 4 राउंड हो गया ऑलरेडी, मेरा भी 5 राउंड हो गया, तो ये राउंड उन्होंने ले लिया तो बराबर मुकाबला में आ जाएगा, अगर नहीं ले पाया तो अच्छी बात है, अगर ले लिया तो कोई बात नहीं है, तो मेरे के लिए भी और भी 2 राउंड बचा हुआ रहेगा, तो मैं तो फुल कोशिश करेंगे उनसे ये गेम मेरे को जीतना है, क्योंकि उसने मेरे को ग्रुप में बुला के बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था और एटीट्यूड दिखा रहा था, उसका लेवल है 70 लेवल है सामने वाले बंदे का, भाई साहब उनका पास कलेक्शन भी बहुत ही अच्छा खासा है कलेक्शन, हम लोग देखोगी तो पागल हो जाओगे, क्योंकि मैंने वो जब आते हैं जब दूसरे बार दूसरे ड्रेस लेके आते हैं, क्योंकि वो बहुत बंदा पुराना बंदा है जो कि 70 लेवल ऐसे नहीं हुआ है। तो गाइस नेक्स्ट गिविया के लिए तुम लोग रेडी हो करो, नेक्स्ट वीडियो कब तक आएगा तुम लोग उस वीडियो के लिए वेट करो, अगर इस वीडियो में जिस बंदा को मिल गया रिडीम कोड वो बंदा बोल देना जो हाँ मेरे को मिला है, कमेंट करके बोलो जो मेरे को मिला है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद देने वाला हो, और 4 नंबर रिडीम कोड जो लास्ट का बचा हुआ है 4 नंबर। तो गाइस फाइनली इधर मैं ये राउंड भी लेके आ चुका हूँ, तो फिर और एक राउंड बचा हुआ है, आखिर उसने क्या इस राउंड को निकाल के वो बराबर मुकाबला में आ सकता है या नहीं आ सकते है। तो अगर उसने ये राउंड निकाल नहीं पाया तो उसका हाथ से पूरा तरफ से गेम गया। अरे बेटा ऐसा मत हो, मेरा ग्लोल नहीं गिर रहा है, अरे हेड तो लग जाएगा, हेड भी नहीं लगता है, अरे तुम पैक करो, मैं तो पैक तोड़ने में माहिर हूँ, तुम देखो ना कैसे मारता है सर जी। हाँ हेलो, तो गाइस फाइनली हम इधर बुया ला चुका हो, तो गाइस इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और एंड शेयर कर दो, क्योंकि शेयर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो गाइस हाँ, अगर अभी जो लास्ट नंबर रह गया था 4 नंबर रिडीम कोड का, वो अभी देने वाला